नमस्कार दोस्तों, यूएन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरसीएफ की लाइन आरे की रिव्यू करेंगे और उसकी प्राइस भी जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आरसीएफ का ये हमारा पहला वीडियो है, लेकिन आरसीएफ की जो स्पीकर्स होती है, जो JBL आरसीएफ मतलब टक्कर की स्पीकर्स होती है, और उसकी लाइन आरे मतलब JBL की लाइन आरे की मुकाबला कर सकती है ये लाइन आरे। बहुत ही अच्छी स्पीकर्स होती है ये। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आरसीएफ लाइन आरे HDL20A की, ये जो स्पीकर्स होती है लाइन आरे स्पीकर्स, उसकी रिव्यू करेंगे और जानेंगे कितनी प्राइस में ये मिलती है और आगे ही चलती है। चलते हैं। उससे पहले अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। हमारे चैनल है A1KD स्टूडियो। प्लीज़ एक कमेंट, मैं जानता हूँ आप बहुत लोग इसको देखते हैं, इस वीडियो को, मेरे वीडियो को, कुछ ना कुछ कमेंट कम से कम दीजिए, ये सोच के आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो पे। तो पहले बात करते हैं आरसीएफ लाइन आरे HDL20A के बारे में। तो ये है उसकी फ्रंट साइड, अगर देखा जाए तो एक्टिव पावर लाइन आरे मॉड्यूल, मतलब एक्टिव है ये, मतलब इसकी अंदर सेल पावर है ये, इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ट है। एक्टिव मतलब वही होता है पासिव स्पीकर की मतलब होती है, जिसमें आपको अलग से एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सेल पावर है, मतलब बहुत ही एक तरह से अच्छा है। अब जब सेल पावर हो गया और एक्टिव हो गया, मतलब आपका इसका पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। पैसे के बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो इसकी यह है बैक साइड, आप देख सकते हैं इनपुट्स एक साइड पे है, देखिए थ्रो भी दूसरे को लगाने के लिए भी आपको यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे आपको क्या सेक्शन है पूरी बात करें हैं आगे चल के। तो दोस्तों ये जो लाइनर है, इसकी पीक जो पावर होती है 1400 वाट की है, लेकिन उसमें तो आपको चलाना नहीं है ना, तो 700 वाट इसकी आरएमएस है, और इसकी अंदर आपकी 10 इंच के दो ऊपर है जो कि आपको बेस देती है, और 1:3 इंच कंप्रेशन ड्राइवर जो कि आपको HF देती है, मतलब ट्रिबल देती है, तो बहुत अच्छी। और ये इनपुट कंट्रोल सेक्शन है, और प्रीसेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और रेनफोर्स्ड वुडन बॉडी ये पूरी है, आप देख सकते हैं। इनपुट सेक्शन में आप देख सकते हैं इनपुट सिग्नल के लिए आपको बैलेंस अनबैलेंस दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। बैलेंस मतलब आप XLR भी है, इनपुट कनेक्टर XLR है, आउटपुट कनेक्टर भी XLR है, और क्रॉसओवर जो होती है फ्रीक्वेंसी 800 हर्ज है, प्रोटेक्शन थर्मल आरएमएस सॉफ्ट स्टार्टर ऑल दी थिंग्स आर देयर। एम्पलीफायर जो इसमें लगा है, जिसकी पावर हो 1400 वाट पीक ले सकता है, और पीक के लिए ये लिखा हुआ है 400 वाट पीक और लो फ्रीक्वेंसी 1000 वाट पीक। टोटल पावर एक्चुअली है ये इसका 700 वाट है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब HF के लिए आपको 200 वाट चलती है, और लो फ्रीक्वेंसी मतलब बेस के लिए आपकी 500 वाट दिया जाती है, और कूलिंग कन्वेंशनल नॉर्मल कूलिंग है। कनेक्शन पावर कॉन इन आउट दोनों कनेक्शन यहाँ पे है, और ये आपकी आती है 1,30,000 रुपये में एक HDL20A पूरी आ जाती है लाइन आरे। तो बहुत ही अच्छी है, आप देखना चाहे ऑन ऑफ की है, और इसके फीचर्स के बारे में तो आपने बहुत अच्छा से जान लिया। अगर आपने ये वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कम से कम एक कमेंट तो बनता है अगर आप देख रहे हैं अंत तक। तो इसमें हम लोग एक चीज़ पे बात कर, और अगर टाइम मिलता है तो 5 मिनट, पूरी वीडियो तो बन गई है, थोड़ी सी बात करेंगे इसकी ऊपर, जो इसकी कंट्रोल्स है इसमें, DSP कंट्रोल इनपुट सेक्शन से, जिसमें बहुत सारे आपको फीचर्स दी जाती है कि आप इसमें सिलेक्शंस, बहुत सारे सिलेक्शन हैं जो कि कंट्रोल सिलेक्शंस है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं इसकी इनपुट सेक्शन को, और ऊपर तो 10 इंच के दो ऊपर है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है बेस के लिए भी। और इस टाइप का आप 5, 3 या 6 या बहुत सारे ऐसे आरसीएफ की सीरीज में आपको लूप कर करके आपको बनाना है, बस ये तो एक ही पीस है, आपको इस टाइप के 6 पीस या 3 पीस ऐसे पीस लगा के आपको हैंगिंग पर्सन में लाइन आरे लगाना है, तो ये एक अच्छी सुविधा है इसमें। तो हो सकता है इस वीडियो आपके काम